नमस्कार, मैं हूँ वैशाली शेट्टी, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। आइए नजर डालते हैं 10 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में बढ़ते तापमान के चलते राज्य सरकार ने किया स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान। मई के बदले आज से सभी स्कूलों में रहेगी गर्मी की छुट्टी। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की गर्मी से हुई मौत के मामले पर निष्पक्ष जांच कराने की मांग। उद्धव ने कहा आयोजकों पर भी दर्ज हो केस। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीएम शिंदे और डिप्टी सीएम फडणवीस पर बोला हमला। कहा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को खारघर की घटना की जिम्मेदारी लेते हुए दे देना चाहिए इस्तीफा। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के राज्य सरकार पर एफआईआर दर्ज कराने वाले बयान पर दिया करारा जवाब। कहा कोरोना काल में भी लापरवाही बरती गई तो क्या उन पर भी दर्ज कर सकते हैं मामला। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने की मुलाकात। वल्ली में बीडीडी चौल के पुनर्विकास, बेमौसम बारिश और हाल ही में मराठी स्कूलों से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे के उद्धव ठाकरे पर दिए गए बयान पर सांसद संजय राउत ने किया पलटवार। कहा राज ठाकरे को गुजरात और यूपी के मुख्यमंत्री पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए मांग। उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे पर बोला जोरदार हमला। कहा राज ठाकरे है बीजेपी के तोता, बीजेपी के लिए तोतागिरी करने वालों को देख रहा है महाराष्ट्र। उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने किया बड़ा दावा। कहा जल्द गिर जाएगी महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार। मुंबई के माटुंगा से हैरान कर देने वाली घटना, एक शख्स ने बिल्ली के बच्चे की गर्दन मरोड़ कर की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई से झुलसाने वाली गर्मी से जानवरों को भी नहीं है राहत, भाईखल्ला चिड़ियाघर में किया गया खास इंतजाम। आज के लिए बस इतना ही। मुंबई की 10 बड़ी खबरों को देखने के लिए यूट्यूब पर इन24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।